मेरे पास 12 बजे से पहले पहले वीज़ा नहीं आता, तो मैंने फिर भी सुबह 9 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है और उसके बाद दुबई जाना ही जाना है। और उसके लोग देख सकते हो वो रेड लेवल की बोतलें पीछे पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं एप्पल जूस पी रहा हूँ। इनके पास 3 ऑप्शन है, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस एंड मैंगो जूस। अभी सुबह हो गई है, अभी 8 बज चुके हैं, तो मेरा वीज़ा अभी तक नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी, खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग है दुबई टू ओमान का, और मैं ओमान ट्रैवल करने लगा हूं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दुबई में रहकर आपने वीज़ा एक्सटेंड करवाना है पाकिस्तानियों ने तो क्या है तरीका उसका, इन आउट होना पड़ेगा, वो सारा प्रोसीजर, एयरपोर्ट में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो सारा इस व्लॉग में आप लोगों को मिलेगा। इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है, लास्ट तक देखना। आप चलते हैं एयरपोर्ट। बोर्डिंग मेरी हो चुकी है और अभी यहाँ पे मैं ड्यूटी फ्री वाली साइड पे आ गया हूँ, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाऊंगा। और ये देखें जी, अभी है 5:30 बजे, मैंने बोर्डिंग वाले गेट पे चले जाना है। गेट नंबर है F12, और F12 हमारा गेट बनता है वो लास्ट पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस साइड पे टर्मिनल 2 पे हूँ मैं, तो अभी ये उसकी ड्यूटी फ्री है। और यहाँ पे क्योंकि टर्मिनल 3 जो है वो ज़्यादा बड़ा है, और अभी ये टर्मिनल 2 पे हूँ, तो यहाँ का भी इन्वायरमेंट देखते हैं ड्यूटी फ्री का। जी बड़े बड़े ब्रांड्स पे आ गए, आप इस तरह टेस्टेड इनका लगा सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, मतलब की चीज़ यहाँ पे मुझे मिल गई है, प्रोटीन के डब्बे, आइसोलेट का, आइसो का, डेमेटाइज का। ये है, इसकी प्राइस मेंशन नहीं है, 250 का होगा, इससे ज़्यादा, इससे कम का नहीं होगा, पाकिस्तानी को 15-18 हज़ार बनता है। इस बस में मैं अकेला नहीं था जो चेन स्टेटस के लिए इन आउट कर रहा था, मैं इस बस में अराउंड 40+ लोग थे जो विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर रहे थे अपना, तो आप लोग इन लोगों को भी देख के साथ चीज़ें फॉलो कर सकते। व्लॉग को एंड तक लाजमी देखें, और आगे मैं बताने लगा हूँ कि कितने चार्जेस आपको पे करने होंगे और क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी और ओवरस्टे का क्या फ़ाइन होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में मैं दूँगा। चुकी है बीच वाली, और अब जा रहे हैं ओमान। ओमान जाके हो गया बात, अल्लाह हाफिज़। इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं, दुबई 2 मंथ विजिट वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जो चार्जेस हैं 1750 है फॉर पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी अमाउंट बनती है 1,43,500। और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो पासपोर्ट फ़ोटो और आपका प्रीवियस विजिट वीज़ा कॉपी अटैच करना होगा। जिनकी इंडियन नेशनलिटी है उनके चार्जेस हैं 1450, और जो श्रीलंकन हैं उनके हैं 1650। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट चार्जेस हैं। और जिन पर्सनस को जॉब नहीं मिली और उनका विजिट वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली अपना विजिट वीज़ा एक्सटेंड करें, क्यों अदरवाइज़ आपका जो ट्रैवल एजेंट होगा वो आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग अप्लाई कर देगा, और उसको रिमूव करने का जो चार्जेस है वो 3,000 दरहम्स हैं, जो पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपये अमाउंट बनती है। और उसके साथ साथ आपको पर डे 50 दरहम फ़ाइन पे करना होगा, तो ये काफ़ी लंबी गेम चले जाएगी। इसलिए ओवर स्टे करने की दुबई में ज़रूरत नहीं है, आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करें, अदरवाइज़ अपनी कंट्री में वापस जाएँ। वाले हैं वो A4 वाली साइड पे जा रहे हैं, तो मैं भी उधर को ही जाऊंगा। और उसके बाद ये देख रहे हैं आप लोग, डिपार्चर का है, डिपार्चर से निकल के आगे जाना है हम लोगों ने, तो अराइवल्स वाली साइड पे नहीं जाना क्योंकि मस्कत का हमारे पास वीज़ा नहीं है, हमने चेंज स्टेटस करना है, तो हम लोग वेट करेंगे अभी अपने वीज़े का, आगे जाके लाउंज में बैठेंगे, तो फिर सारा प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूँ। यही ये देखें डिपार्चर वाला एरिया, अभी मैंने A4 पे जाना है, वहाँ जाकर एंटर करना है। जी मैं नीचे जा रहा हूँ A4 वाली साइड पे, और वहाँ पे जाकर बताता हूँ आगे करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। A4 वाली साइड पे जा रहा हूँ, और ये आसपास आप लोग खजूर के दरख्त देख सकते हैं, आई डोंट नो कि ओरिजिनल है कि ना, ओरिजिनल ही उस्ताद जी चेक करो, मस्कत एयरपोर्ट अच्छा बनाया हुआ है इन लोगों ने। और अभी जाकर थोड़ा बैठेंगे, मेरे पास लॉन्च का एक्सेस है VIP, और वहाँ पे जाके पूरा बुफे होगा, पूरा लश पश माहौल होगा, और वीज़े का इंतज़ार करेंगे, और उसके बाद अप टू डेट मैं देता रहूँगा कि करना क्या है इसके बाद। ये बुफे का सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है प्राइम क्लास में लॉन्च के अंदर, और ये विस्की प्रोग्राम है सारा, आप लोग देख सकते हो, पैक शेक लगा सकते हैं। इधर हूँ और मैं जो उनसे वेट कर रहा हूँ अपने वीज़े का, वीज़ा कल दो मेरा छेती छेती।
मस्कत एयरपोर्ट में प्राइम लॉन्च है इधर का, वीआईपी लॉन्च, उसका मेरे पास एक्सेस था। मैंने यहाँ पे आके खाना शाना खाया, अभी रेस्ट करूँगा। तो अभी मेरा जो ट्रैवल एजेंट है उन्होंने मेरा वीज़ा अप्लाई कर दिया हुआ है, क्योंकि जब से मैं इधर से इमिग्रेशन से दुबई के आउट हुआ था उसके बाद से उन्होंने मेरा वीज़ा प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। अब होपफुली 12 बजे से पहले पहले मेरा वीज़ा आ जाएगा, और अगर इनकेस मेरे पास 12 बजे से पहले पहले वीज़ा नहीं आता तो मैंने फिर भी सुबह 9 बजे की फ्लाइट पकड़नी है और उसके बाद दुबई जाना ही जाना है। और उसके बाद मेरे पास अगर सपोज वीज़ा नहीं आता तो आपने दुबई जाकर वेट कर एग्जिट नहीं ले सकते जब तक आपका वीजा ना हो। जब आपके पास वीजा आ जाएगा फिर आप दुबई से एयरपोर्ट से निकल सकते। लोग बहुत घबराते हैं कि पता नहीं हमने एक्सटेंशन करवानी, इन आउट होना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी मसला नहीं, बहुत इजी है, सिंपल प्रोसीजर है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, इसी तरह ही करना है, टेंशन नहीं लेनी, मास्टर बाबा दे होंगे। लोग देख सकते हो वो रेड लेवल की बोतलें पीछे पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं एप्पल जूस पी रहा हूँ। इनके पास 3 ऑप्शन है, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस एंड मैंगो जूस, तीनों आप बॉक्सेस देख सकते हैं। और ये मैंने मिड वाला जूस लिया है, एप्पल जूस। तो अभी ये पीता हूँ। 3 बज रहे हैं और वीज़ा अभी तक नहीं आया, तो मसला नहीं है। अभी कल 9 बजे की फ़्लाइट है, सुबह तक अगर वीज़ा आ गया तो वेल एंड गुड, वरना 9 बजे की फ़्लाइट पकड़ के दुबई जा कर वेट करेंगे। तो अभी मैं लगा हूँ सोने, और चाचा जी भी सो रहे हैं, मैं भी लगा भाई हूँ सोन वास्ते। गाइस रात पूरी गुजार ली और अभी सुबह हो गई है, अभी 8 बज चुके हूँ मैं, तो मेरा वीज़ा अभी तक नहीं आया। मेरा केस सुबह है, अभी मेरे पास वीज़ा नहीं है, लेकिन मेरे पास फ़्लाइट है। अभी मैं 9 बजे की फ़्लाइट पकड़ूंगा और वापस दुबई जाकर वहाँ पे वेट करूँगा जब तक मेरा वीज़ा आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं बाहर उधर से निकलूँगा। एक्चुअली लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ये 2 बोर्डिंग पास है आपको जो दुबई से मिलते हैं, फर्स्ट वाला आपके उधर जाते हुए और सेकंड वाला भी दुबई से मिलता है रिटर्न का, वाले के ऊपर गेट नंबर नहीं लिखा हुआ और इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं, फ़्लाइट से 1 घंटा पहले ये गेट नंबर जो सा है, ये बड़ी बड़ी स्क्रीन हर जगह लगी हुई है, स्क्रीन के ऊपर जो सा ना आप देखें अपना टैली करें, मेरा ये है, ये देखें FZ8936, इसका जो है गेट नंबर C12 है। तो मैंने C12 पे जाना है, तो ये सिंपल सा एक प्रोसीजर है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। टेक ऑफ होने लगा है और मैं बिजनेस क्लास वाली सीट पे बैठ गया हूँ, चेक करो वीज़ा नहीं आया हुआ था। तो अभी यहाँ पे आकर मैं इमिग्रेशन पे नहीं गया, मैं वहाँ पे जाके वेटिंग एरिया में बैठ गया। तो उसके बाद मुझे मेरे एजेंट ने जोन सा वीज़ा फॉरवर्ड कर दिया व्हाट्सएप। तो उसके बाद फिर मैं स्मार्ट गेट पे गया, स्मार्ट गेट पे जाके वो 2 पाँवों के जो निशान है उस पर खड़े होकर अपनी ऐनक और टोपी उतार के उसके स्क्रीन में देखा और पासपोर्ट को स्कैन करना है, और डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद वो आपको वेरीफाई करेगा और गेट खोल देगा, दैट्स इट। उसके बाद आप लोगों को एंट्री मिल जाएगा। तो अभी मुझे एंट्री अलहमदिल्ला मिल चुका है, विजिट वीज़ा मेरा वीज़ा आ चुका है और मैं एंटर हो चुका हूँ दुबई के अंदर। तो इतना सा प्रोसीजर था, कोई इतना मुश्किल टेंशन वाली बात नहीं है, बस कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी चीज़ें करो, प्रोसीजर करो, और होपफुली ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी, इन्फॉर्मेटिव है वीडियो। तो अपना ख्याल रखें सब, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।